हाथरस पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने नोएडा में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया है और दोनों को ही वापस दिल्ली ले जाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस दिल्ली की सीमा में दिल्ली पुलिस को सौंप कर आएगी। दोनों को पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है। इस दौरान गांधी ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, देखिए हम पे लाठी चार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करे करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धन का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। मैम, कहा जा रहा है कि हाथरस की जो बेटी है उसको दो बार मौत हुई, एक बार दरिंदों ने मौत दी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने मौत दी, उस पर क्या कहेंगे? मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सही कहा। योगी सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को, पीड़िता को पूरी तरह से सहायता दे, उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए न्याय दिलवाए। उसके बजाय उल्टा उन्होंने उसका एकदम विपरीत किया। एक एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद वे पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। इसके बाद पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनको लाठी मारकर गिरा दिया था। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी लाठी चार्ज किया, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। राहुल गांधी के धक्का दे दिया।